काशी में विकास की गंगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी कि आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस बार उनका प्रवास करीब 2 घंटे का होगा। प्रधानमंत्री वाराणसी जौनपुर मार्ग पर स्थित करखिया में अमूल डेयरी प्लांट सहित 2095 करोड़ से ज्यादा की 27 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के 3 विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ भी करेंगे। उनमें एक प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा लोगों को ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड घरौनी का वर्चुअली वितरण भी शामिल है। ग्रामीण इस प्रमाण पत्र का इस्तेमाल लोन लेने सहित अन्य कार्यों में कर सकते हैं। तो एक बार फिर आज चुनाव से पहले वाराणसी को ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से मिलने जा रही है। पीएम वाराणसी को ये सौगात देंगे। आपको बता दें, इससे कुछ ही दिन पहले अब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया था और एक बड़ी सौगात वाराणसी की जनता को दी थी। और अब एक बार फिर से वाराणसी दौरे पर आज प्रधानमंत्री हैं, जहां पर करीब 2 घंटे वो रहने वाले हैं। तो क्या सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की जनता को दे रहे हैं, ये भी चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। तो 1.7 लाख दूध उत्पादकों के खातों में बोनस जाएगा, ये सौगात आज प्रधानमंत्री की तरफ से दी जा रही है। आपको बता दें कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मजबूती इससे मिलेगी, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जो सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से आज मिलेगी। परिवहन और पर्यटन का विस्तार भी इससे होगा। साथ ही ऐसे में आपको बता दें, प्रधानमंत्री का इस महीने में ये दूसरा काशी का दौरा है। 13 दिसंबर को ही वो काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको बता दें, पीएम करीब 1 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट एयरफोर्स के विमान से पहुंचेंगे, जहां से करीब 12 किलोमीटर दूर करखियां स्थित सभा स्थल पर सड़क मार्ग से वो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां 870 से ज्यादा करोड़ की लागत वाली 22 विकास परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही 1225 करोड़ से ज्यादा की 5 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 475 करोड़ से करखिया में बांस डेयरी संकुल है। 30 एकड़ भूमि में फैले इस डेयरी का निर्माण 2 सालों में हुआ है। प्लांट में प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो आज बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से मिलने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। इसको देखते हुए लगातार बड़ी बड़ी योजनाओं की, बड़ी बड़ी सौगातों की जनता पर बौछार की जा रही है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले तमाम ऐसे काम हैं जो बीजेपी की सरकार में हुए और उसके पूरी लोगों को सुविधा दी गई, और ये सभी योजनाएं, ये सभी काम बीजेपी की तरफ से जो कराए जा रहे हैं, उनको जनता को अब समर्पित चुनाव से पहले किया जा रहा है। तो यानी कि पूरी तरह से जनता को लुभाने की कोशिश यहां पर बीजेपी करती नजर आ रही है, विकास के कार्य को लेकर। तो लखनऊ से शुभम हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, आज उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से काशी की जनता को ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार जो है सौगातों की बौछार की जा रही है। अब आज भी जो है प्रधानमंत्री अमूल डेयरी के का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं, लगभग 1 बजे वहाँ पहुंचे। बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश की है और खास करके अपने संसदीय क्षेत्र जो उनका संसदीय क्षेत्र है वहाँ के लिए है। वहाँ के सैकड़ों लोग जो है लगभग उसके लिए जो है संख्या में रोजगार पाएंगे और लोन वगैरह की जो जो व्यवस्था है वो भी की गई है। जो दूध उत्पादक के लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। फिर कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात जो है आज प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। और कहा जा सकता है कि करोड़ों की सौगात जब संसदीय क्षेत्र में मिलती है तो वहाँ की जनता को भी काफी ज्यादा जो है एक एक खुशी मिलती है कि उनको एक रोजगार मिला है और एक उनके क्षेत्र में एक बड़ी योजना का जो है शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है।
बिल्कुल शुभम। और देखिए जिस तरह से हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था कि 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे थे, जहां पर ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, तो काशी पर काफी ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री इस बार करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की जाए तो वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। साथ ही आज जो सौगात दी जा रही है उससे शिक्षा और स्वास्थ्य सभी को मजबूती यहाँ पर मिलेगी। ये बिल्कुल कह जिस तरीके से अभी जो है जब काशी कॉरिडोर का जब उद्घाटन हुआ था उसके बाद अब जब एक फेरी का उद्घाटन किया जा रहा है, तो जाहिर तौर से कह सकते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके तहत लोगों को जो है जो वहाँ के छात्र हैं उनके भविष्य में आने वाले समय में उनको बहुत सारे लाभ मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और इस साफ तरीके से कह सकते हैं करोड़ों की सौगात है, करोड़ों की सौगात में जो है चीजें जब सामने आती है तो जाहिर सी बात है वहाँ की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात कह सकते हैं प्रधानमंत्री की तरफ से जो है काशी की झोली में डाली गई है। साफ कहा जा सकता है अभी लगभग 1 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे और वहां पर उनके साथ मंच पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और उनको स्वच्छता की अगर बात करते हैं, स्वच्छता की नजर से अगर देखा जाता है तो स्वच्छता की नजर से भी वीवीआईपी कैटेगरीज का अलग से व्यवस्था बनाया गया है बैठने का, और जो स्वच्छता का इंतजाम है वो भी वो पूरी तरीके से पुख्ता दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से वहां पर चौकसी जैसे की गई है, तो प्रशासन भी अलर्ट है क्योंकि पीएम मोदी जो है एक हफ्ते में दूसरी बार जो है वो बनारस पहुंच रहे हैं, बनारस का जो है दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल शुभम। और देखिए अगर आज की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 घंटे के लिए काशी में रहने वाले हैं, तो उस 2 घंटे के दौरान क्या कुछ कार्यक्रम पीएम के आज हैं? ये बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं पीएम मोदी आज जो है वो काशी पहुंच रहे हैं, लगभग जो है वो 1 बजे वहाँ कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कार्यक्रम के बाद अब साफ कह सकते हैं कि अब वहाँ पर लगभग जो है उनका जो कार्यक्रम का समय है वो परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, उसके बाद वो वहाँ काशी में जाकर के जो जो कार्यक्रम है योजनाएं हैं योजनाओं को पूरी तरीके से वो जांच परख कर देखते हैं कि चीजें क्या है, क्या लाभ होते हैं, क्या चीजें जाहिर सी बात है वो जमीन पर जाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जमीन पर रहने वाली जनता को इससे क्या लाभ होंगे, क्या क्या चीजें होंगी। बहुत सारी ऐसी जो काम है वो साफ तरीके से देखे जा सकते हैं। पूरे 2 घंटे वो काशी में रहेंगे, जाहिर सी बात है अधिकारियों से भी वार्ता करेंगे, जो अपने मंत्रियों से भी वार्ता करेंगे, लगातार इन योजनाओं के बारे में डिस्कशन जो है लगातार रहेगा। साफ कह सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में भी जो है वो पूजा अर्चना के लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल शुभम। और देखिए जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, फरवरी तक जो है चुनाव हो जाएंगे लगभग ये माना जा रहा है, लेकिन ऐसे में जब बीजेपी की तरफ से तमाम बड़ी बड़ी सौगातें जनता को दी जा रही हैं, चाहे वो आज जो मिलने वाली सौगात हो वो हो, या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, या फिर नोएडा ग्रेटर नोएडा में बनने वाला एयरपोर्ट ही क्यों ना हो, तो अगर जनता की बात की जाए तो जनता बीजेपी की इन सभी सौगातों से कितनी खुश नजर आ रही है? अगर सौगातों की बात की जाए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सौगातें जो चुनाव के समय जिस तरीके से जनता को मिल रही है, कहीं ना कहीं जनता के नजर में भी चीजें हैं कि अब जो सौगातें आ रही हैं, जाहिर सी बात है जो सौगातें जब अब मिल रही हैं उससे काफी ज्यादा लाभान्वित जो लाभार्थी है वो भी बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे, और बहुत ज्यादा कह सकते हैं लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा, शिक्षा का स्तर भी पड़ेगा, बहुत सारी चीजें जैसे कि एयरपोर्ट पर बनाया गया उससे भी बहुत सारी चीजें जो है एक जब कोई परियोजना बनाई जाती है तो लोकार्पण किया जाता है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे की पूरी भूमिका तैयार होती है कि आखिरकार उसको कैसे क्या करना है, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे क्या चीजें रहेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा भी मिल सकता है कि जब चुनाव के समय परियोजनाओं का लोकार्पण होता है तो जाहिर सी बात है जो जो क्षेत्र की जनता है, विधानसभा क्षेत्र की जो जनताएं होती है जाहिर सी बात है उन योजनाओं को देखती है कि योजना जो है कितना कारगर होगी और आगे चल के उसमें लाभ मिलेंगे, आगे आने वाली सरकार क्या देखती है, किस तरीके से काम करेगी और क्या योजनाएं आगे की जो इनका जब वो बने कह सकते हैं कि जब अपना एक जारी करेंगे कि आगे जब ये आएंगे तब ये क्या करेंगे, इन सभी चीजों को देख करके भी जनता जो है इस बार अपना मूड बनाएगी, अपने हिसाब से जाने की कोशिश करेगी।
चलिए ठीक है शुभम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज एक बार फिर से काशी को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आपको बता दें कि करीब दोपहर 1 बजे के करीब बाबतपुर एयरपोर्ट एयरफोर्स के विमान से पीएम मोदी पहुंचेंगे। करीब 12 किलोमीटर दूर करखियाँ स्थित सभा स्थल पर सड़क मार्ग से वो जाएंगे और उसके बाद एक के बाद एक जो है वो 27 परियोजनाओं की सौगात यहाँ पर जनता को आज देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 30 एकड़ भूमि में पहले डेयरी का निर्माण 2 सालों में किया गया है जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। प्लांट में प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है।